हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके आए हैं साइंस की आपके लिए। आज का दिन बड़ा सनी डे है आज, और सनी डे का मतलब बहुत अच्छा साफ मौसम है, धूप सूरज काफ़ी चमक रहा है। सो इस एक्टिविटी को करने के लिए आज हम एक तरह से मैजिक ऑफ फिजिक्स देखेंगे। सो व्हाट आई नीड अ लेंस, मेरे पास एक लेंस है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और एक अखबार का जो है मेरे पास पीस है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सनराइज़ जो सन रेज़ है उनको मैं कॉन्सनट्रेट करके एक पॉइंट पे फोकस करके उनसे इस कागज़ को जलाने की कोशिश करूंगा, विदाउट यूजिंग कोई माचिस के बगैर मैं इसको जलाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ सनलाइट की रेज़ को मैंने क्या करना है, कन्वर्ज करना है, इकट्ठा करना है। सो लेट अस सी, पहले देखते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो प्लीज़ सी, आप देखिए ज़रा। शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यू कैन सी कि इस न्यूज़पेपर को जो है वो आग लग गई है। देखिए, इट्स बर्निंग, ये जल रहा है। आई कैन फील स्मेल ऑल्सो। सो यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं कि इसको आग लग चुकी है। सो व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या है? बहुत सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पे जो सन है वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, और जब रेज इसमें से पास होती हैं और तो वो ये जो लेंस है इन रेज को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। दैट इज़ वाई इसको कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जब रेज इकट्ठी होती है एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होती हैं तो उनकी जो हीट है वो बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली जो है वो इस कागज़ को क्या लग जाती है, आग लग जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि मैंने अखबार का वो वाला हिस्सा यूज़ किया है जो ब्लैक कलर का है, क्योंकि ब्लैक कलर इज़ ए गुड एब्जॉर्वर, जो एब्जॉर्वर ऑफ हीट है, इसलिए वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी आग लग जाती है। सो आई थिंक आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। सो हम बिना माचिस के भी सूरज की जो इससे ये भी बात सिद्ध होती है कि सूरज में बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट है, अगर हम उनको इकट्ठी कर ले तो हम इस हीट को यूज़ भी कर सकते हैं, इस एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ़।